होमवर्क नहीं था ना कुछ? नहीं नहीं कर लिया था। हाँ होमवर्क वाला कर लिया था। अच्छा ठीक है। बोर्ड दिख रहा है सबको प्रॉपर? बोर्ड दिख रहा है ना? बोलो। हाँ मैम दिख रहा है मैम। ओके गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का ही अभी चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद चलेगा। ठीक है अभी सिंपल इंटरेस्ट का ही है सम। मैम दोपहर को भी अटेंड किया था क्या आपने दोपहर को? नहीं मैम नहीं किया था। मैम वो बेसिक मैथ्स के लेक्चर में क्या पढ़ाया था? बेसिक कैलकुलेशन था मैम। बेसिक मैथ्स नहीं मैम। बेसिक मैथ्स नहीं हुआ था मेरा कॉलेज। मेरा कॉलेज था ना मैम बेसिक। अच्छा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको? रिकॉर्डिंग देख लो मैम। कल का भी नहीं आया मैम? कल का अभी अपलोड किया है शायद। कल का थोड़ी देर पहले किया है। हाँ हुआ है कल का हुआ मैम। कल भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट चालू था। कल भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था। कल बेसिक था आज पार्ट वन है। ठीक है पार्ट टू नहीं मैम। पार्ट वन तो होने दो। पार्ट टू उसके बाद आएगा ना। पार्ट वन कल हुआ था ना मॉर्निंग में? नहीं वो बेसिक था। बेसिक कंपाउंड नहीं नहीं कल कल आज सुबह। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ही बेसिक था उसके बाद पार्ट वन। तो एक होमवर्क में दिया था आपने कल? दिया था होमवर्क? हाँ नहीं दिया था। नहीं मैम नहीं दिया। सर पूछ रहे कि आफ्टरनून में लेक्चर हुआ था मैम वो बोल रहा हूँ। आपने होमवर्क आफ्टरनून का? हाँ आफ्टरनून का। आफ्टरनून में हो गया। फोर इयर्स एट 2.5% पर एनम। एट सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ध्यान मत दो आगे का कुछ समझेगा ही नहीं। इनको पूछो मॉर्निंग के लेक्चर में क्या हुआ ऐसा भी नहीं है मैम। अगर मैम हाँ बोलो मैम अगर बेसिक नहीं अटेंड किया और डायरेक्ट अटेंड किया तो चलेगा क्या? नहीं बेसिक तो करना चाहिए था आपको। वीडियो तो देखना चाहिए था एटलीस्ट। मैम मालूम नहीं था डाला क्या बेसिक का समझेगा? आपको बेसिक देखना चाहिए ना। बेसिक नहीं समझेगा तो ये कैसे समझेगा? लेवल अप हो जाता है ना। पहले बेसिक में थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चन होता है उसके बाद थोड़ा हार्ड होता है। ओके मैम तो बेसिक देख क्या हूं मैं डायरेक्ट? तो आपको फिर से रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। अभी अटेंड कर लो ना। अभी अटेंड कर लो लेक्चर उसके बाद बेसिक भी देखो और उसके बाद ये लेक्चर फिर से देखो। चलो सॉल्व करो। आपने अटेंड किया था कल का लेक्चर? वीडियो भी नहीं देखा? देखना चाहिए था। Thank you.
आपका नाम क्या है? साहिल। थोड़ा ऐसे बैठो। चलो सब लोग सॉल्व करो, ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ट्राई करो, डिफरेंस दिया है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है और सिंपल इंटरेस्ट का अलग से रेट दिया है और टाइम भी दिया है, ईयर भी दिया है। यहाँ पे ईयर दिया है, रेट दिया है, फिर से ईयर दिया है और रेट दिया है, और यहाँ पे ये जो है वो डिफरेंस दिया है आपको सिंपल इंटरेस्ट का। मैम 1200। 1200 आया? यस। ओके बाकी सब लोग बताओ। ₹1200। बाकी सब लोग बताओ। क्या दिया है? इफ द डिफरेंस बिटवीन SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया ये ₹60 ऑन सर्टेन सम, मतलब कोई एक सम है उसका डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ पे क्या बोला है 4 इयर्स के लिए और यहाँ पे रेट दिया है, उसके बाद अगेन 5 इयर्स दिया है और यहाँ पे रेट दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बोलो? और इन दोनों का डिफरेंस दिया है हमें सिंपल इंटरेस्ट, ये भी हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये भी हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या दिया डिफरेंस दिया, डिफरेंस कितना दिया है 60 दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 60। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता है क्या? नहीं पता है। पी एज इट इज लिख दो। इनटू टाइम कितना दिया है यहाँ पे 4 इयर्स है टाइम, इनटू आर कितना दिया है 2 1/2, इसको कैसे लिखेंगे 5/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 माइनस अगेन पी, यहाँ पे भी पी नहीं पता लेकिन दोनों का दोनों सेम है, ये और ये वाला सेम है, इनटू टाइम कितना दिया है 5 इयर दिया है यहाँ पे, इनटू 5 इंटू रेट कितना दिया है 3% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू क्या हो गया 60। यहाँ पे 2 और 2 क्या है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 पी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 10 पी आएगा माइनस 5 इंटू 3 कितना होगा 15 पी डिवाइडेड बाय 100, एक ही बार लिखेंगे कॉमन, इक्वल्स टू 60। ये माइनस होगा कितना आएगा 5p आएगा, माइनस होगा ना, डिवाइडेड बाय 100 है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 60 इंटू 100 कितना होगा 6000, p का वैल्यू क्या आएगा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 1200। मैम माइनस 1200, मैम 5.2 का बताओ ना, कुछ समझा नहीं मैम, वो 10 माइनस 15 होगा तो माइनस 5 भी आएगा ना, ये इतना कंसीडर मत करो, देखो ये यहाँ पे लिखा और ये यहाँ पे लिखा तो बराबर हो जाएगा ना, हमें बस प्रिंसिपल निकालना है, माइनस का इतना ध्यान में मत रखो, नहीं 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 इतना कुछ नहीं है, और यहाँ पे कैसे निकालना है 2, हाँ हाँ मैं बता रही हूँ आपको ही बता रही हूँ, 2 1/2, 2 × 2 कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बीच में 2 × 2 = 4 होगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 यही है 5 डिवाइडेड बाय, मैम 2.5 भी लिख सकते हैं ना, हाँ 2.5 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2.5 भी लिख सकते हो।
हुआ क्या लिख के आपका बच्चा? यस मैम। मैम वो लास्ट वाला बताइए ना, कौन सा लास्ट वाला बोल रहे हो? 10p-5p। हाँ वो वाला। हाँ ये माइनस हो गया ना, 15-10 5p आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 × 100 कितना आएगा? 6000 आएगा। ओके। और वो ही डिवाइड किया ना 5 नीचे तो 1200 ही आएगा। ओके। हुआ? इसका सेकंड मेथड भी देखो, क्या करना है, p into t into r होता है डिवाइडेड बाय 100, तो ये p तो सेम होगा, इसको क्या करना है कैंसिल कर दो डायरेक्टली, p सेम होगा माइनस ही होगा, हो जाएगा t into r। देखो यहाँ पे 4 इयर्स है, 4 into 2 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे t into क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा 10, और यहाँ पे 15। इसका डिफरेंस दिया है हमें, ये कैसे किया समझा ना मैम, एक बार वापस बताइए ना। क्या क्या मैम? समझ गया, एक बार वापस बताइए ना। चलो ठीक है वापस बता दे। यहाँ पे क्या है, p into t into r होता है ना, p into t into r divided by 100, अभी r का परसेंटेज है मतलब 100 ही होगा परसेंटेज का मतलब, तो यहाँ पे 100 हटा दो। यहाँ पे देखो p जो है ना वो कॉमन ही होगा दोनों में, p into t into r में, यहाँ पे जो r और t का वैल्यूज ही अलग होगा, यहाँ पे t और r का वैल्यूज ही अलग होगा, p का वैल्यू तो सेम होगा, वैसे भी वो माइनस ही होने वाला है, P सेम है, यहाँ पे ये दोनों अलग है, यहाँ पे ये दोनों अलग है, T और T यहाँ पे अलग है ना, यहाँ पे 4 इयर्स है, यहाँ पे 5 इयर्स है, और यहाँ पे 2 1/2 है, और यहाँ पे 3 है, लेकिन P का जो वैल्यू होगा वो तो सेम होगा, प्रिंसिपल तो एक ही होगा। बोलो। यस मैम। समझ रहा है ना? हाँ मैम। हाँ तो क्या करना है, देखो P को कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी P को कैंसिल कर दो, आवाज में उठ कर निकले बोलो ना, इसलिए डिस्टर्ब हो गया। हो गया बंद। टी इंटू आर मतलब टी का एक टी क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इंटू आर मतलब 2 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 5/2 हो गया, यहाँ पे टी मतलब क्या होगा 5 इयर्स, इंटू आर मतलब क्या होगा 3, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा 5 × 2 10, और यहाँ पे 5 × 3 15, लेकिन ये जो वैल्यू होगा वो परसेंटेज में होगा ना दोनों का दोनों, क्योंकि r जो होगा वो परसेंटेज में ही होगा। yes, ma'am. ये जो हमें दिया है वो परसेंटेज में दिया है, ये दोनों का दोनों, तो ये वाला वैल्यू होगा 10 और 15, ये दोनों परसेंटेज में ही है, तो यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है वो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 60, और यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट का ही वैल्यू आ रहा है, 15 - 5 मतलब 5% आ रहा है ना यहाँ पे 60, यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोनों का 5 है, तो वो परसेंटेज यहाँ पे भी परसेंटेज लेंगे हम, और दोनों का डिफरेंस 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है 60, 5% मतलब ही 60 है यहाँ पे, तो 1% मतलब कितना आएगा 12। बोलो 5% मतलब 60 है तो 1% मतलब कितना आएगा 12 आएगा यहाँ पे, तो 100% मतलब कितना आएगा, 100% मतलब 1200 आएगा ना, और कोई भी प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में 100% ही होगा, कोई भी प्रिंसिपल वो होगा वो तो अपने आप में 100% ही होगा, तो 100% का वैल्यू 1200 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया 1200
प्रिंसिपल हो गया, ये समझा कैसे करना है, बोलो। यस मैम। सबको समझा ये 1200 कैसे आया, किसी को डाउट है? डाउट है रेशो से की। शॉर्ट ट्रिक से जाना है, लॉन्ग ट्रिक से नहीं जाना है, टाइम जाता है बहुत। किसी को डाउट है इसमें पूछो, डाउट होगा तो पूछो ये वाले क्वेश्चन में। हेलो मैम। हाँ बोलो, क्या हुआ? आपका आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, मैम सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का बताओ। अमाउंट का 1 प्लस आर बाय 100 बाय प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस टू एन। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या आएगा बोलो? माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल राइट है। लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं करना है, हमें इसका ज्यादा यूज नहीं करना है। वॉट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? मैम कौन सा यूज नहीं होगा फॉर्मूला? जो अमाउंट का है वो, on an amount of rupees 12,500 at the rate of 10% per annum after 2 years. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर यहाँ पे 10,000 अमाउंट है
और उसपे बोला है कि 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 10% रेट दिया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कैसे करेंगे? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 10,000 का 10% निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 1,000। वो हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट भी होता है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में क्या होगा? 10,000 का 10% निकालेंगे, सेम जैसे यहाँ पे किया था, 1,000 आएगा। सेम 10,000 का 10% निकाला, ये हो गया सेकेंड ईयर का, जैसे यहाँ पे आएगा सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1,000 का 10% भी आएगा, कितना? 100। समझा? दिख रहा है आप दोनों को? आपको नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है? थर्ड ईयर में क्या करना है देखो, यहाँ पे 1,000 आया, यहाँ पे 1,000 आया, यहाँ पे भी 1,000 आया। ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, और ये तीनों का तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैम 2 साल का निकालने का ना इसमें आपने जो, हाँ, लेकिन मैं आपको थर्ड ईयर तक बता रही हूँ कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे 1,000 आया, उसके बाद ये वाला जो है उस पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे 1,000 का 10% आएगा, यहाँ पे कितना? 100 आएगा। उसके बाद ये वाला जो 1,000 है उसका भी 10% होगा, 100। उसके बाद यहाँ पे जो 100 आया है, मैम 400 आया, 10% होगा, 10। ये हो गया थर्ड ईयर का, ये हो गया सेकंड ईयर का, और ये हो गया फर्स्ट ईयर का। ये हो गया, ये टोटल करोगे तो पूरा 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको, पूरा का पूरा टोटल करोगे। जब सेकेंड 2 ईयर का पूछा है तो 1,000 + 1,000 + 100 होगा। जब 3 साल का है तो ये पूरा का पूरा मिलाना ऐड करना पड़ेगा, तब वो आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। जब भी निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। यहाँ पे जो है 1,000, 1,000, 1,000, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम होता है, हर साल में सेम ही आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, ये 1,000 इंटरेस्ट था, उस पे भी इंटरेस्ट लगा। उसके बाद देखो ये 100 है, ये इसका इंटरेस्ट यहाँ पे लगा है। उसके बाद ये 1,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे लगा, उसके बाद ये 100 का इंटरेस्ट यहाँ पे आया। समझा? 3 इयर्स तक, मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, 4 ईयर नहीं आएगा एग्जाम में। समझा? मैम मेरा 400 आंसर आया। 400 इसका बोल रहे हो? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, ये समझा सबको? सब लोग बताओ। मैम एक बार फिर से समझो ना मेरे को प्लीज। नहीं समझा। हेलो मैम। हाँ मेरे को समझाओ ना मैम। देखो 10,000 का 10% आया, 1,000 फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकंड ईयर में क्या हुआ? 10,000 का 10% सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये सेम ही आएगा हमेशा। उसके बाद क्या करना है? ये जो है फर्स्ट ईयर में आया 1,000, उसका इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर में, मतलब 1,000 का 10% कितना आएगा? 100 आएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होगा? ये जो 1,000 है उसका 100 आएगा, उसके बाद ये जो 1,000 है उसका 100 आएगा, और उसके बाद ये वाला जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ये जो 10 आया है वो इसका इंटरेस्ट है। ऐसे थर्ड ईयर तक की, 3 सालों तक की, मतलब ज्यादा आता नहीं है क्योंकि ये बहुत बढ़ता जाएगा अभी, इसके लिए 3 साल तक ही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैम देखो फर्स्ट ईयर में 1,000 था, मैम फर्स्ट ईयर में 1,000 था, सेकंड ईयर में 1,000 था, और थर्ड ईयर में भी 1,000 था, तो सेकंड ईयर में 10% तो 100 हुआ उसका, बराबर? हेलो हाँ बोलो। तो थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में 100, सेकंड ईयर में 100, तो थर्ड ईयर में 10, बराबर ना? हाँ। तो ये 100 100 क्या इंटरेस्ट है उसका? 100 इसका इंटरेस्ट, 100 ये है मतलब फाइनल अमाउंट, इसका इंटरेस्ट ये है। हाँ फाइनल अमाउंट। तो चलो इसका आंसर आया किसी का?
बताओ इसका आंसर कितना आया ये क्वेश्चन का? 2625 2625 ओके बाकी सब लोग बताओ 2625 ओके बाकी सब लोग आप में से किसी का आया आया आपका नहीं आप तीनों में से किसी का आया नहीं आया 2625 निकालो निकालो 10% ही है यहाँ पे 2625 ओके सब लोग बताओ हमारा प्रिंसिपल है 12,500 उसका फर्स्ट ईयर में कितना आएगा फर्स्ट ईयर में 10% आएगा 12,500 का 10% कितना 1250 ओके सेकेंड ईयर में कितना आएगा 1250 सेम 1250 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 1250 सेम उसके बाद ये वाला 1250 है उसका भी इंटरेस्ट 10% में होगा मतलब 125 ये हो गया दोनों का दोनों मतलब आफ्टर टू इयर्स का क्या मतलब हो गया कि दोनों का दोनों साल मिला के कितना होगा 1250 प्लस 1250 प्लस 125 तीनों का मिला के होगा टू इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट समझा क्या हुआ डाउट है फ्री में आता है ऐसा क्वेश्चन नहीं नहीं फ्री में आता है ऐसा क्वेश्चन हुआ सेकेंड मेथड क्या है देखो यहाँ पे 10% है रेट रेट कितना है 10% ये हो गया 1/10 फ्रैक्शन अभी ये कितने सालों के लिए बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए बोला है तो जो ये नीचे होगा वो क्या होता है प्रिंसिपल होता है उसको क्या करना है ये 2 इयर्स के लिए बोला है तो इसका स्क्वायर करना है अगर यहाँ पे 3 इयर्स बोला होता तो इसका क्यूब करते अभी यहाँ पे क्या बोला है 2 इयर्स स्क्वायर हो गया 100 ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया ये अजम्पशन है प्रिंसिपल हो गया उसके बाद फर्स्ट ईयर में क्या होगा फर्स्ट ईयर में इसका जो 100 है उसको 1/10 के फ्रैक्शन में लेंगे हम मतलब यहाँ पे होगा 1/10 इसका क्या मतलब है 100 × 1/10 0 0 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 10 बचेगा यहाँ पे क्या आया 10 ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या करेंगे 100 है यहाँ पे 10 आया है तो यहाँ पे भी 10 ही आएगा लेकिन यहाँ पे जो 10 होगा उसको भी तो 1/10 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10 × 1/10 कितना बचेगा 1 बचा यहाँ पे तो 10 + 10 + 1 ये टोटल क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और हमें जो यहाँ पे 12,500 दिया है वो क्या है प्रिंसिपल है किसके हाँ यस यस नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम 12,500 है डिवाइड क्या करेंगे 100 क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है
तीनों का तीनों टोटल कर देंगे, 10 + 10 + 1 कितना हो जाएगा 21, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कैंसिल मत करो, जो आंसर आएगा 2625। हाँ क्या हुआ 21, ये तीनों का एडिशन 10 + 10 + 1 टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम, क्या मेरे को आप फिर से समझा सकते हो? बाकी सबको समझा क्या? नहीं समझ रहा है। कहाँ तक? रेट के बाद से बताइए ना, रेट के बाद से ही। अच्छा ओके, यहाँ तक समझा। मैं फिर से लिख लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इयर्स का बोला है यहाँ पे, ये क्या हो गया प्रिंसिपल है, अजम्पशन है हमारा प्रिंसिपल। टू इयर्स के लिए बोला तो स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे थ्री इयर्स के लिए बोला होता तो क्यूब करते। यहाँ पे 10 है, उसका स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा। ये क्या हो गया प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर में क्या होगा 100 है, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से। मतलब ये हमारा रेट है ना, ये जो वैल्यू आया है हमारा वो रेट है, रेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं हम। परसेंटेज अगर बोला होगा 1000 का 10%, तो यही करते हैं ना, 10% मतलब 1/10, तो 1/10 से कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा, तो 100 होएगा, यही करते हैं हम यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी वही करना है, 100 × 1/10 जो परसेंट आया है, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे भी क्या आएगा 10 ही आएगा। तो उसके बाद ये जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, 10 × 1/10 कितना हो जाएगा 0, 0 कैंसिल, क्या यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 10, 10, 1 ये टोटल क्या हो गया 10 + 10 + 1 कितना हो गया 21 हो गया। वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन ये रेशियो में है, ये भी रेशियो में हमारा प्रिंसिपल, ये रेशियो में है, ये भी रेशियो में है, और हमारा एक्चुअल कितना दिया है प्रिंसिपल 12,500 दिया है, 12,500 हमारा प्रिंसिपल है, लेकिन हमने यहाँ पे कितना अज्यूम किया 100 अज्यूम किया है, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। और हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 21 × 21 करेंगे 2625, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट टू इयर्स का। ये मेथड थोड़ा लंबी हो जाएगा ना? नहीं नहीं, इससे सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, इसके लिए यही अच्छा है।
वन व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट obtained on an amount of ₹5120 at the rate of 12.5% per annum after 3 years. मैम सेम मेथड यूज करने का है ना? क्या हुआ? सेम मेथड. ओके ओके. Two thousand ninety. 2090. 2090. 2170. 2170. और किसी का आया आंसर? 12.5. सेम मेथड से किया? यस मैम. कैलकुलेटर मत यूज करो. कैलकुलेटर रेट कितना है? 12.5% इसका फ्रैक्शन क्या है 12.5% का? 1/8. 90 आएगा.
हाँ मैम 2090 2190 2190। ओके और किसी का आंसर आया है? 12.5% का 1/8 1/8 है ना? ओके 3 इयर्स बोला है यहाँ पे फ्रैक्शन होगा ना, 3 इयर्स बोला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, मतलब 8 × 8 × 8 होगा। ये क्या हो गया प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे 8 × 8 × 8 को 1/8 करेंगे 64 होगा राइट। अगर यहाँ पे 64 है तो सेकंड ईयर के लिए भी 64 होगा, थर्ड ईयर के लिए भी क्या होगा 64। उसके बाद सेकंड ईयर में इसका भी तो होगा 1/8 करेंगे, इसको भी 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, मतलब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 64 है, उसको भी 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 8 आएगा। अगेन यहाँ पे 64 है उसको भी 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8। यहाँ पे 8 है उसका भी तो 1/8 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। समझा समझा ना, ये कैसे आया समझा मैम? मेरे को 1 वाला नहीं समझा मैम, सच में 64 तीनों के लिए आएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो 64 है उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 होता है 64, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। फिर से थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, ये जो 64 है उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। फिर से ये वाला जो 64 है उसको भी 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा अगेन 8 आएगा। फिर से ये जो 8 है उसको भी तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आया। मैम वो स्टार्ट में आपने ये लिए 8 × 8 प्रिंसिपल कैसे आया वो? ये क्यूब मैंने क्या बोला है, जब भी ये नीचे होगा यहाँ पे स्क्वायर, 2 इयर्स दिया है तो स्क्वायर करना है, यहाँ पे 3 इयर्स दिया है तो क्यूब करना है, क्यूब मतलब 3 बार ही होता है ना, 3 बार ही होगा ना। और हमें जो ये 5120 दिया है वो क्या है प्रिंसिपल है, 5120 क्या है प्रिंसिपल, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512 आएगा। उसके बाद क्या पूछा है, कंपाउंड पूछा है, ये वाला क्यूब लेना है, यहाँ पे क्यूब लेना है। 64 कैसा आया, 8 × 8 × 8 है उसको क्या करेंगे 1/8 करेंगे, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 8 कितना होता है 64। यहाँ पे रेट है ना, ओके मैम तो 5120 मैं अपने लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल अज्यूम किया था 100। हाँ तो वो अज्यूम क्यों किया था, देखो 10% था ना, 10% में नीचे क्या आएगा 10 ही आएगा, 10 आएगा, 1/10 आएगा, तो वहाँ पे 2 इयर्स था, यहाँ पे 3 इयर्स है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 ही होगा ना, इसीलिए 100 अज्यूम किया था। अभी यहाँ पे क्या है 12.5% है, 10% तो नहीं है, तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 है, तो यहाँ पे 3 इयर्स दिया है इसके लिए क्यूब लिया, और वहां पे 2 इयर्स दिया था इसके लिए वो स्क्वायर था 10 का, वो 100 अजम्पशन नहीं था, 10 का स्क्वायर था, वो भी तो ये भी तो अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन ही है ना, मतलब ये रेशियो में ही है, जैसे ये रेशियो में था वो ये भी तो रेशियो में ही है, समझा? 64 कैसा आया? Yes, क्या करूँ मैं? 8 का 8 × 8 × 8 है, ये 8 × 8 × 8 है, और ये क्या है? रेट है हमारा, ये रेट मतलब 1/12.5 मतलब ही 1/8 है ना, 12.5 मतलब ही 1/8, तो इसका 12.5% निकाला, मतलब 1/8 किया,
इंटू वन बाय एट, एट और एट कैंसिल हो गया तो एट इंटू एट क्या आएगा, 64 ही आएगा ना. हाँ ये किया है सेम 64 जैसे यहाँ पे किया है वैसे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी किया है. और एट भी, एट भी कैसे आया, 64 इंटू वन बाय एट, एट इंटू एट होता है 64, क्या बचा, एट बचा, यही आठ यहाँ पे लिखा है. समझा? हाँ मैम. मैम तो 5120 25 आएगा क्या उधर, 5120 अपॉन 5120 डिवाइडेड बाय 512 इनटू क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा. तो मैम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, एडिशन मतलब ही होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सब का एडिशन. 64 प्लस 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 192. 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24 और ये 125, 7, 217 हो जाएगा. इन सबका एडिशन किया है मैंने, ये जो है 217 ये सबका एडिशन होगा. ये सबका एडिशन मतलब ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 217, ये जो 5120 है वो अमाउंट में है, हमें दिया है प्रिंसिपल, और ये हमने अज्यूम किया था 8 into 8 into 8 जो कि 512 होता है, ये अजम्पशन है और ये अमाउंट में दिया है. इंटू क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबका एडिशन किया है मैंने ये 217. तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा ऊपर, 2170 क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. किसी को डाउट है? मैम यहाँ पे 512 कैसे आया राइट साइड में, ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब. डाउट है? है डाउट? हेलो मिस. हाँ बोलो. पहले एग्जांपल में ना आपने डायरेक्टली स्क्वायर किया था ना, तो इधर क्यों नहीं किया ऐसा? डायरेक्टली क्या किया था, 10 का स्क्वायर 100 लिया था ना. स्क्वायर क्यों लिया था, वहां पे 2 इयर्स दिया था. 10 into 10 भी ले सकते थे ना.
हाँ तो 10 into 10 लिखो या तो 100 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर यहाँ पे 8 into 8 into 8 लिखो या 5 into 2 लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। यहाँ पे 5 into 2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 into 8 into 8 का मतलब ही 5 into 2 होता है ना। हाँ मिस, ओके। Difference between compound interest and simple interest is rupees 12.5 at the rate of 12.5. ये हो गया क्या? नहीं हुआ ना? No ma'am. Percent for 3 years, then find principal. तीन साल के लिए दिया है, 12.5% सेम मेथड से करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? डिफरेंस दिया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 12.5 रुपीज में। रेट कितना दिया है? 12.5%, उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8। यहाँ पे कितने इयर्स के लिए दिया है? 3 years के लिए दिया है, तो ये जो 8 है उसका क्यूब करेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 into 8 into 8 लिखो या 5 into 2 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। ये क्या हो गया? ये जो होगा वो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया आपका। ये प्रिंसिपल अजम्पशन है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा वो सब अजम्पशन है। उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए क्या करोगे? फर्स्ट ईयर मतलब 8 into 8 into 8 है, उसको क्या हुआ? उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 64। फर्स्ट ईयर का हो गया 64, फर्स्ट ईयर में 64 है, सेकंड ईयर में भी 64 हो जाएगा, थर्ड ईयर में भी 64 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर हो गया ये, सेकंड ईयर में इसका आया हमारा इंटरेस्ट ये, उसके बाद इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 64 into 1/8 करेंगे, 64 इंटू क्या करेंगे? 1/8, जो कि यहाँ पे दिया है हमारा 1/8, 8 और 8 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 8 बचेगा। उसके बाद थर्ड ईयर में 64 आया, उसके बाद 64 का अगेन 1/8 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। 64 into 1/8 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। उसके बाद ये वाला जो है इंटरेस्ट, उसको भी तो उसका भी तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे, इसका क्या आएगा? 64 का, यहाँ पे 64 का 1/8 8 आया,
उसके बाद ये जो 64 है उसका भी तो 1/8 ही आएगा, उसके बाद ये जो 8 बचा है उसका भी तो इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे, 8 इंटू क्या होगा 1/8, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, वही 1 यहाँ पे आएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया पूरा का पूरा। ये वाला तीनों जो है वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब 64 + 64 + 64 कितना हो जाएगा 192 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा होगा वो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें 64 + 64 + 64 192 आएगा, +8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा 24 और +1 कितना हो जाएगा 25, 217 ये टोटल क्या हो जाएगा 217 क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो ऊपर का वैल्यू है वो क्या है तीनों का तीनों सेम होता है हर साल में सिंपल इंटरेस्ट, तो ये तीनों का तीनों सेम है, ये तीनों का एडिशन 192 है वो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ये दोनों का जो माइनस करेंगे उसके बाद ही डिफरेंस आएगा, तो 217 माइनस 192 कितना आएगा 25 आएगा, 25 यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे 8 + 8 + 8 + 1 करेंगे तो कितना आ रहा है 25 ही आ रहा है, तो यही हो गया, मतलब आपको दोनों का एडिशन करने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो ऊपर का 64 तीनों का तीनों छोड़ के यहाँ पे जो बचेगा वैल्यू वो ही होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये पूरा का पूरा एडिशन करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको जब भी बोलेंगे डिफरेंस दिया है तो ये जो ऊपर का वैल्यूज है तीनों वो छोड़ के ये जो बचा है वैल्यूज उसका एडिशन करना है, 8 + 8 + 8 + 1 क्या हो जाएगा 25, तो वो 25 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है डिफरेंस बोल के 12.5, मतलब 25 किसके बराबर है 12.5 के बराबर है, 25 रुपीज 12.5 के बराबर है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 125 ये प्रिंसिपल है ना 8 का क्यूब 25 तो मैम 8 का क्यूब 512 यहाँ पे क्या आएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 512 इनटू 12.5 डिवाइडेड बाय 25 8 का क्यूब प्रिंसिपल है तो यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा 512 यहाँ पे 12.5 इंटू 2 होता है 25 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 512 को 256 आया हमारा प्रिंसिपल। ये टोटल आया 25 लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना बोला सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 12.5 दिया है, मतलब 25 जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आया है रेशियो में वो किसके बराबर है एक्चुअल वैल्यू 12.5 के बराबर है, और हमें क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, और हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया था प्रिंसिपल 8 × 8 × 8 मतलब 512 को हमने अज्यूम किया था कि हमारा प्रिंसिपल क्या है 512, तो अगर 25 का वैल्यू 12.5 के बराबर है तो 512 का कितना आएगा क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 512 इनटू 12.5 25 कहाँ से आया हाँ ये तीनों का एडिशन 8 + 8 + 8 + 1 जो कि डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा ये ऊपर का वैल्यू छोड़ के जो नीचे वैल्यू होगा वही होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया उसके बाद क्या आया 256 वो क्या होगा प्रिंसिपल होगा। सिंपल इंटरेस्ट ये पूरा का पूरा जो है ना वो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऊपर का जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है और ये जो नीचे का होगा वो डिफरेंस आएगा। हाँ पूरा का पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सबका एडिशन ये सबका एडिशन मतलब होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ये सबका एडिशन
यहाँ पे जो ऊपर है वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो नीचे बचा है वो होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, 8, 8 और 1। मैम रेट और नंबर ऑफ इयर्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ इयर्स तो उन्होंने दिया है ना यहाँ पे? नहीं नहीं अलग, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो अलग, वो तो अलग क्वेश्चन होगा, वो सॉल्व करेंगे हम वैसा। हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ मैम, ये 64 64 64 ये प्लस होएगा ना, और बाद में माइनस है ये वाला, ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होना तो ये सबका एडिशन होगा, ये जो अमाउंट हमारा आया है वो सबका एडिशन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जब सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो तीनों का तीनों एडिशन होगा। वन मतलब 8 × 1/8 किया ना, तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बचा, वही 1 लिखा है। मैम ओ 1/8 कैसा आया? 1/8 यहाँ से आया ना, ये रेट है 12.5% का, मीनिंग क्या है 1/8 है, तो उसी से ही मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब 12.5% निकाला है, हर एक का 12.5% निकाला है, क्योंकि हमारा जो रेट है वो 12.5% ही है। लेकिन 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करने से अच्छा हम 1/8 ही लिखा निकालेंगे ना, 12.5 तो उन्होंने दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। वो लिख के इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 2000 अमाउंट्स टू रुपीज 2420 एट 10% पर एनम ईयर्स निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स। जब भी दिया होगा कि कोई अमाउंट इज अमाउंट्स टू समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू दिया होगा तो उसको क्या अज्यूम करना है? हमेशा अमाउंट ही अज्यूम करना है। कोई भी वैल्यू दिया है उसके बाद बोला अमाउंट्स टू समथिंग, तो यहाँ पे जो भी होगा उसको क्या अज्यूम करना है? अमाउंट अज्यूम करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और फाइंड आउट क्या करना है आपको? नंबर ऑफ इयर्स फाइंड आउट करना है।
आया किसी का? टेन परसेंट ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितना आया? टू इयर्स. ओके. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? पहले ये देखो, पहले प्रिंसिपल और अमाउंट को कंपेयर करो. प्रिंसिपल कितना दिया है? 2000. और अमाउंट कितना दिया है? 2420. तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो दोनों वैल्यूज है हमारे पास, उसका रेशियो लेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे दोनों को. रेशियो लेंगे, डिवाइड करो, 00 कैंसिल हो गया. इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 100 आएगा. यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा. और डिवाइड हो सकता है और डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये मिल गया हमारा रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का. उसके बाद देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10% दिया है. 10% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/10. तो मतलब अगर यहाँ पे प्रिंसिपल अगर 10 होगा और इंटरेस्ट अगर 1 होगा, तो अमाउंट कितना आएगा? प्रिंसिपल अगर 10 है, इंटरेस्ट अगर 1 है, तो अमाउंट कितना आएगा? 11. ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अमाउंट होगा. ऐड ही होता है ना इंटरेस्ट प्रिंसिपल में. प्रिंसिपल में ऐड होने के बाद ही अमाउंट आता है. तो अगर हमारा प्रिंसिपल है 10, तो हमारा अमाउंट कितना है? 11. तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है. इसको 10 है तो 10 को 10 से स्क्वायर करते जाओ, क्यूब करते जाओ, जब तक ये वाला वैल्यू नहीं आता. इसको 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करो. कितना आया? यहाँ पे 100 आया और यहाँ पे क्या आया? 121. ये सेम है, ये दोनों का दोनों सेम है. दो दो बार हो गया, ये दो बार किया हमने मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 years. अगर यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करते तो अभी आंसर आता 3 years. दो बार ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 years. समझा? ओके मैम. हेलो मैम, फिर से समझो ना, कुछ समझा नहीं. हेलो मैम. हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो. फिर से समझाओ ना. क्या क्या नहीं समझा आपको? यहाँ तक समझा? फिर से 100 और 121 इसका रेशियो निकाला. कितना आया? 100 और 121 आया. उसके बाद रेट उन्होंने कितना दिया? 10% दिया है. उसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10. ये फ्रैक्शन हो गया. अगर ये 10 प्रिंसिपल है, ऊपर का जो 1 इंटरेस्ट है, तो हमारा अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ही अमाउंट आता है. तो 10 प्लस 1 कितना होगा? 11 होगा. अमाउंट हमारा 11 हो गया अमाउंट. उसके बाद प्रिंसिपल कितना आया? 10 आया. यहाँ पे अमाउंट कितना है? 11 है. क्या करना है? यही वैल्यू से इसी को मल्टीप्लाई करना है. यही वैल्यू से इसी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्क्वायर क्यूब करते जाना है जब तक हमारा ये वाला वैल्यू नहीं आता. अभी यहाँ पे दो बार किया तो आया. अब यहाँ पे 100 और 121 दोनों आया, तो दो बार किया तो कितना आएगा? 2 years आएगा आंसर हमारा. अगर यहाँ पे 3 बार करते तो यहाँ पे 3 years आंसर आता.
व्हाट परसेंट पर एनम विल रुपीज 3000 अमाउंट्स टू रुपीज 3993 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड annually. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको. प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और एक नंबर ऑफ इयर्स भी दिया है. सेम मेथड से करना है, जैसे अभी किया था वैसे ही करना है. बस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स दिया है. I'm 10%. 10%? Okay. बाकी सब लोग बताओ. सेम मेथड से ट्राई करो. बस यहाँ वहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा करना है. क्यूब रूट स्क्वायर रूट करना है यहाँ पे. वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे बस उल्टा करना है. बस फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. ट्राई करो. राइट है राम, मैं आपका राइट है. 10%. ओके. बाकी सब लोग बताओ. और किसी का आया आंसर? ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट. तो ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया. प्रिंसिपल और अमाउंट, ये क्या है? 3000 यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट कितना आएगा? 3993. इसका रेशियो लेंगे हम यहाँ पे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1000 आएगा यहाँ पे. और यहाँ पे 1331 आएगा. 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया रेशियो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का. उसके बाद देखो 1000 है और 1331 है. हमें कितना इयर्स के लिए बोला है? 3 इयर्स के लिए बोला है यहाँ पे. तो क्या करोगे? 3 इयर्स के लिए बोला तो अंडर क्यूब रूट करेंगे. यहाँ पे किसका क्यूब है? 1000 10 का है. 1331 किसका क्यूब है? 11 का है. उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा. तो यहाँ पे रेट कैसे निकालेंगे? ऊपर 1 आएगा, ये इंटरेस्ट ऊपर आएगा. नीचे क्या आएगा? प्रिंसिपल इंटू 100 कितना आएगा? 10%. 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 10%. आर कितना हो गया? 10%. मैंने जो 100 लिया ये प्रिंसिपल अज्यूम किया है ना? हाँ, ये प्रिंसिपल है ना. प्रिंसिपल का ही रेशियो हमारा आया है और यहाँ पे अमाउंट का ही रेशियो आया. तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट. तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा इंटरेस्ट होगा ना. ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट. प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही होता है इंटरेस्ट.
नहीं, ये 10% आएगा ना, 1/10 × 100, ये तो, हाँ, तो यही ये वाला 10 ही यहाँ पे लिया है, ये वाला जो 10 है वो यहाँ पे लिया है, और ऊपर जो बन लिया है वो इंटरेस्ट है, और इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि आर है ना, आर परसेंटेज में आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे इंटू 100 किया। अगर यहाँ पे स्क्वायर टू इयर्स के लिए बोलते यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाता, यहाँ पे थ्री इयर्स है तो यहाँ पे क्यूब रूट आएगा। मैम फोर फाइंड क्या करने बोला था, राइट, क्या हुआ, फोर इयर्स के फाइंड करने बोला था क्या, यहाँ पे फोर इयर्स होता तो यहाँ पे फोर इयर्स ही आता, क्या हुआ, देखो फाइंड क्या करने बोला था, रेट फाइंड करने बोला था, रेट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, रेट परसेंट पर एनम है ना, वर्ड परसेंट पर एनम, तो रेट ही होगा ना, परसेंट किस में आता है, रेट में ही आता है। If a certain sum of money ₹225 amounts to ₹256 in 2 years, find rate of compound interest चलो बताओ। हेलो मैम। हाँ बोलो, क्या हुआ मैम? ये दोनों को भी 2 से डिवाइड करने का है ना? 2 से डिवाइड होगा दोनों, देखो। हाँ होगा, क्या नहीं होगा? बताओ कितना आएगा? इसके पहले का क्वेश्चन कैसे किया था सेम वैसे ही करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। 6.67% कितना? 6.67 सेम हो गया। ओके बाकी सब लोग बताओ। कितना आ रहा है? 6.67 6.67 ओके।
अ सम ऑफ मनी मतलब 225 अमाउंट्स टू 256. प्रिंसिपल कितना आएगा 225 और अमाउंट कितना आएगा 256. यहाँ पे देखो कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं और दोनों का दोनों डिवाइड नहीं हो सकता. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, दोनों का दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता. तो क्या करना है 225 256 को स्क्वायर रूट में डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 इयर्स है, यहाँ पे 2 इयर्स है. तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट में रखेंगे इसको. तो ये किसका स्क्वायर है 225 15 का इस 2, यहाँ पे 256 किसका स्क्वायर है 16 का. ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है. ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया. तो ऊपर क्या आएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा प्रिंसिपल आएगा इनटू 100. तो 1/15 का फ्रैक्शन क्या होता है 6.66%. तो ये क्या हो गया रेट आ गया रेट हमारा 100 क्यों किया? क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं ना, जब भी हम रेट निकालते हैं ना तो वो परसेंट में ही होता है, तो 100 करना ही पड़ेगा. जब परसेंट में वैल्यू होता है तो ऊपर इनटू 100 करना ही पड़ता है. मैम हाँ बोलो. ये जो आपने स्क्वायर रूट लिया, ये अगर क्वेश्चन में से 2 ईयर का दिया तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, 3 ईयर का दिया तो क्यूब रूट लेंगे, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है. यहाँ पे 2 ईयर्स है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 ईयर्स था तो मैंने उसके वहां पे क्या लिया था क्यूब रूट लिया था. यहाँ पे 2 इयर्स दिया है, इसके लिए स्क्वायर रूट लिया दोनों जगह पे. ठीक है On a certain principle. The compound interest compounded annually for the second year at 10% per annum is rupees 132. The principal is 1st में क्या दिया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा है और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल 2 इयर्स का नहीं जो सेकेंड ईयर ओनली सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या बोला है वो 132 है ओनली सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर का इंक्लूड नहीं होगा उसमें. तो सिर्फ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो वो इसी से कंपेयर करना पड़ेगा. आया किसी का? नहीं मैम. सेम मेथड से करना है, मैंने बताया था ना सेकेंड ईयर ओनली सेकेंड ईयर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कंपेयर करना पड़ेगा 132 से.
रेट कितना दिया है? 10% दिया है रेट. 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10. कितने इयर्स के लिए बोला? 2 इयर्स के लिए बोला है. सेकेंड ईयर, उसके बाद थर्ड ईयर का कोई बोला ही नहीं यहाँ पे. थर्ड ईयर मतलब टोटल 2 इयर्स का ही होगा. तो यहाँ पे 10 है, उसका स्क्वायर होगा. मतलब 10 × 10 लिखो या 100 लिखो, दोनों सेम है. तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा. फर्स्ट ईयर में 100 का 10% कितना आएगा? 100 का 10% करो या 100 × 10 1/10 करो, कितना आएगा? 10 आएगा ये फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 ही आएगा सेकेंड ईयर में. उसके बाद 10 का 10% करो या 10 × 1/10 करो, यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा. और हमें जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 132, ये सेकेंड ईयर का बोला है. ये किसका है? फर्स्ट ईयर का है. ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया. सेकेंड ईयर का वैल्यू क्या है? 10 + 1 = 11 है. और हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है? 132. 132 किसके बराबर है? 10 + 1 = 11 के बराबर है. और हमें क्या पूछा है? प्रिंसिपल. हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? यही है ना, प्रिंसिपल 100 × क्या कर देंगे? 100 11 से डिवाइड करेंगे. 11 × 1 11 × 2 12 × 100 कितना हो जाएगा? 1200. हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा? ₹1200. ओके मैम. ये 132 कौन सी वैल्यू है? ये 132 यहाँ पे बोला ना सेकेंड ईयर. नहीं, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पूरा का पूरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, लेकिन सिर्फ सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल 2 इयर्स का नहीं, सिर्फ सेकेंड ईयर का जो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. तो ये दोनों का जो मिला के जो 11 होगा वो ही किसके बराबर होगा? 132. मतलब ये सिर्फ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है, फर्स्ट ईयर का इंक्लूड नहीं है इसमें 132. समझा? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है क्या? आप सबको समझा? No, ma'am. The compound interest on ₹24,000 at 10% per annum for 1/2 years. Interest being compounded semi-annually. Is compound interest find out करना, लेकिन ये annually नहीं है, semi annually है. Means six annually months. मतलब yearly नहीं है. हाँ, six months. लेकिन 1.5 years का find out करना है. मतलब डेढ़ साल. Formula से भी कर सकते हैं ना? हाँ, formula से. ये यहाँ पे years क्या हो जाता है? जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो ईयर क्या हो जाएगा? इंटू टू होगा. और जो रेट होगा वो डिवाइडेड बाय टू करेंगे.
सेम मेथड से करना है, जो मैंने बोला है वही मेथड से करना है। जो रेट है उसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय टू करोगे, वो आपका रेट बन जाएगा, और जो ईयर होता है उसको इंटू टू करना पड़ेगा, इंटू टू और डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअल है, सिक्स मंथ्स। 3720 ओके। बाकी सब लोग बताओ, और किसी का आया? जब भी सेमी एनुअली होगा तब जो रेट होगा उसको क्या करना है, यहाँ पे 10% है रेट, डिवाइडेड बाय टू करना है। जब भी सेमी एनुअली होगा रेट को क्या करना है, डिवाइडेड बाय टू, और जो इयर्स है मतलब यहाँ पे कितना इयर्स हो जाएगा, टू इंटू वन, टू प्लस वन, थ्री बाय टू इयर्स हो जाएगा, मतलब टाइम कितना होगा, थ्री बाय टू होगा, उसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू किया है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू टू, मतलब टू और टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री पकड़ना है यहाँ पे, तीन पकड़ना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा फाइव, यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, 5%, रेट होगा 5% और टाइम होगा 3। जब भी सेमी एनुअली दिया होगा तब, और जब क्वार्टरली दिया होगा तब क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 4। यहाँ पे सेमी एनुअली दिया है, सेमी एनुअली मतलब अगर वन ईयर है तो उसका दो पार्ट हो जाएगा, वन ईयर का दो पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रेट जो भी दिया होगा, यहाँ पे 10% रेट दिया है, उसको क्या करोगे, डिवाइडेड बाय टू करोगे, और जो टाइम दिया, टाइम कितना दिया है, 1.5 years, मतलब 3/2 है, उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय टू। यहाँ पे अगर क्वार्टरली दिया होता तो क्वार्टरली में क्या होता, डिवाइडेड बाय 4, और क्वार्टरली में टाइम क्या होगा, इंटू 4। इतना ही डिफरेंस है, एक तो सेमी एनुअली आएगा या तो क्वार्टरली आएगा, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में आ सकता है। मैम आपने जो परसेंटेज निकालने वाला बताया था रेट, उसमें अगर रेट अच्छा उसमें हाँ। अगर नंबर ऑफ ईयर अगर पॉइंट में आया, जैसे कि 3.5, वो कैसे करेंगे फिर? नंबर ऑफ कुछ भी होने दो, देखो यहाँ पे इंटू टू करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू करना है, इतना ध्यान में रखो, वैल्यूज कुछ भी होने दो, यहाँ पे अगर सेमी एनुअली बोला है तो डिवाइडेड बाय टू होगा, इंटू टू होगा, वैल्यूज कुछ भी, ये वाला नहीं सेमी एनुअली होगा। तो क्या बोल रहे हो, इससे पहले वाला जो सम करवाया था आपने, वो इसके रेट फाइंड करने वाला? अच्छा अच्छा, रेट फाइंड करने वाला, उसका क्या डाउट है आपको? अगर पॉइंट में आया जैसे कि 2.5, वैसा कभी नहीं आएगा, वैसा कभी नहीं आएगा, वैसा कभी नहीं आएगा। 1.5 किसका, 1.5 स्क्वायर होता है क्या? एक तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, 1.5 नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ये समझा, टाइम हो गया 3 और रेट कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा प्रिंसिपल है 24,000 हो गया, इसको फर्स्ट ईयर में 5% करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में 24,000 का 5% क्या होगा, 24,000 का 10% कितना होगा, 2,400, सिर्फ जीरो हट जाएगा यहाँ पे, और 2,400 का आधा कितना होगा, 1,200, वो ही हो गया 5%। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी 1,200 ही आएगा सेम, थर्ड ईयर के लिए भी 1,200 ही आएगा,
ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, ये तीन हो गया, उसके बाद ये जो 1200 है उसका भी 5% निकालना पड़ेगा, इसका 5% कितना आएगा, ये हो गया जीरो हट गया 120, 10% हो गया, उसका आधा हो जाएगा 120, 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 होगा, इसका 5% अगेन, यहाँ पे इसका 5% 60 होगा, फिर से इसका भी 5% 60 होगा, इसका 5% कितना आएगा, ये हो गया जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 6 होगा 10%, 3 होगा 5%, सबका एडिशन करेंगे, समझ रहे ना क्या, 3 60 का 5%, 60 का 10% कितना होगा, 6 होगा, उसका 5% कितना, आधा हो जाएगा 3, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबका एडिशन करो कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है इसका, 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 3600 आया, ये कितना आया 180 आया, 3783 क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हुआ डाउट है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ये हो गया सेकेंड ईयर का, ये हो गया थर्ड ईयर का, ये पूरा का पूरा एडिशन कितना है 3783 कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सब का एडिशन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, मैम ऐसा नहीं कर सकते पहले हम वन ईयर का निकाले फिर हम हाफ ईयर का कैलकुलेट कर ले, वन ईयर का निकालोगे तो कितना आएगा 2400 आएगा, वन ईयर का निकालोगे तो वो 10% निकालना पड़ेगा, 5% से नहीं कर सकते, वन ईयर का 2400 आएगा, 10% से निकालना पड़ेगा, उसके बाद हाफ ईयर का कितना आएगा बोलो, यस मैम, उसके बाद हाफ ईयर क्या हुआ 1200 कैसा आया, 24000 का 5% कितना आएगा करो, 24000 का 10% कितना आएगा 2400, 10% अगर 2400 तो 5% आधा हो जाएगा उसका 1200, समझा, यस मैम, ऐसा बताओ ना पहले हम वन ईयर का निकालते फिर हाफ ईयर का कैलकुलेट करते, ऐसा उसका हाफ ईयर का 5% लेना पड़ेगा, 10% से नहीं कर सकते आप, ये जो हाफ ईयर बोल रहे हो ना वो 5% से निकालना पड़ेगा वो, क्योंकि हाफ ईयर ये जो दिया है 10% वो पर एनम के लिए दिया है, ये पर एनम के लिए दिया है और आपको हाफ ईयर का निकालना तो 5% से निकालना पड़ेगा, हाँ तो इनटू 10% इनटू हाफ कर देंगे ना तो नहीं होगा, हाँ लेकिन उसके बाद जो इंटरेस्ट आया उसका भी तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ये जो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया है उसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब जो वन ईयर का टोटल इंटरेस्ट आया आपका वन ईयर का क्या आएगा, वन ईयर का 2400 तो उसका जो दो दो पार्ट है उसका भी तो इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग आएगा, यहाँ पे जो आया है वो, समझा, वो कंफ्यूजन होगा, वैसे मत करो कंफ्यूजन होगा, मैंने वैसे सिंपल इंटरेस्ट में वैसे करते हो ना तो इजी है, सिंपल इंटरेस्ट में करोगे तो इजी है, लेकिन कंपाउंड में बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो आप पूरा पूरा यहाँ पे वन ईयर का निकालोगे ना तो उसका दो पार्ट्स करना पड़ेगा, जो कि हाफ ईयर वो हाफ ईयर होगा और हाफ ईयर दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, तो वो कंफ्यूजन होगा, सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट कर सकते लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट मत करो,
समझा? यस मैम, यस मैम। चलो फिर बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू मैम।